We'll be right back.
सी जब भी आदमी जिस दिन पैदा होता है वो वैसे ही उसके लिए बड़ा हो जाता है, चाहे वो 23 जनवरी हो या 12 अगस्त, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जब दिन आता है तो फिर आप थोड़ा सा अपना वैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, क्या कमाया, क्या करना चाहिए। तो एक रेट्रोस्पेक्टिव में आप जाते हैं तो वो एक जन्मदिवस से फिर लोग आपसे, जो आपके मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो आपको विश करते हैं। आप फिर से एक दोबारा से एक बच्चे से बन जाते हैं। तो कोई बेटी हो तो वो केक काटती है, तो कोई दोस्त हो तो वो आके साथ डांस करता है। तो एक फेस्टिविटी हो जाती है हर आदमी के लिए। आपका बर्थडे कौन सा? 7/5। आप देखिए, साथ मैं फ़ोन करूँगा आपको, कैसा लगता है। सबका बर्थडे जो होता है एक अपने में सेलिब्रेशन होता है, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग। सो बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ द रेसलिंग ग्रुप कि दे हैव कप द कन्वोकेशन। ये पैदा हुए तो विस्लिंग वुड पर ना, तो इन्होंने रखा है उनका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रतिभा इन्होंने कमाई है, जो इन्होंने गौरव कमाया है, वो आगे भी बढ़े। मैडम जी, हमने देखा आज के इस मौके पर आपने स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया, आपकी स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स लाइफ की कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं? मेरी स्टूडेंट लाइफ लंबी नहीं थी, सेकेंड ईयर तक गया मैं, आज तक स्टूडेंट है आप तो।
वैसे तो स्टूडेंट हूँ ऑलवेज, लेकिन वो कॉलेज वाले आपने ये पहली दफा किए। मुझे बहुत डिग्रीज मिल रही थी कनाडा से, इंग्लैंड से, आपको डॉक्टर की ये डिग्री। मैं सिर्फ गाउन पहनना नहीं चाहता था, टोपी तो मैं ना कर देता था। आज ने कहा नहीं, आज तो टोपी मत पहनना, ये पहन लेना। मैं कहा नहीं पहनूंगा, दोनों ही पहनूंगा, ये प्यार करता है। तो आई कैन नॉट से इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग एनी कन्वोकेशन। थैंक यू। ये जो ग्रेजुएशन 2018 के, ये जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं सर, इन्हें क्या थॉट्स इन्हें देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मैडम मैं कहना चाहूँगी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विसलिंग हाउस के जो स्टूडेंट्स हैं अब तक, उनमें जो इंडस्ट्री में जो उनको एक्सेप्ट किया है, जो उन्होंने उनको प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और जब भी हमको इंडस्ट्री वाले मिलते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, वो हमेशा हमको ये कहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा अलग होते हैं। टैलेंटेड तो बहुत लोग होते हैं, बट हमारे बच्चों में जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, जो हम्बलनेस है, वो विसलिंग हाउस में एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे जो लेजेंड्स हैं, गोविंद जी जैसे, धर्म जी जैसे, जो इनके 3 साल में इनको आके बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस दिए हैं, उनको ये बताया गया है कि हमारी भी जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, तो जब तुम जाओगे तो कोई एटीट्यूड मत दिखाना, हम्बल रहना। तो उस वजह से हमारे स्टूडेंट्स हमेशा अलग होते हैं, इसीलिए वो इतना अच्छा कर भी रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऑलरेडी इनका 6 महीने पहले ग्रेजुएशन हो चुका है और काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ग्रेजुएशन से पहले ही उनको जॉब्स मिल गए। 95% ऑफ दिस ग्रेजुएट आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, यू सी, ये डिग्री जिन मिली है ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, सब अच्छी जगह में काम कर रहे हैं। ग्रेट। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट, और पर्टिकुलरली हमारा इंस्टीट्यूट या फिल्म इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता जब तक कि इंडस्ट्री के सपोर्ट ना हो। सो वी आर ब्लेस्ड दैट पूरी इंडस्ट्री जो है विसलिंग हाउस को सपोर्ट करती है। हमारे पास कम से कम नहीं तो 365 दिन में से 150-200 सेलिब्रिटीज आते ही हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, ताकि बच्चों के साथ वो शेयर कर सके। और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और जो ये वेटरन्स हैं ये लोग भी इंजॉय करते हैं कि हमें पता लगता है कि इनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धर्म जी का, गोविंद जी का, कि ये जो एक्सेप्ट किया है, ये हमने ऑनर नहीं उनको किया, उन्होंने हमें ऑनर किया है, एजुकेशन सिस्टम को ऑनर किया है। एंड इट इज़ ए वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस दैट वी आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री एंड आवर स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। गोविंद जी, आपके थॉट एंड आपके एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकें स्टूडेंट्स के साथ। एक बार फिर बोलिए आपके थॉट एंड आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टूडेंट्स के साथ? जी हाँ, जब मुझे पहली बार पता चला कि सुभाष जी एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा यूँ कहना चाहिए कि सवाल उठा मेरे दिमाग, किस तरह का फिल्म इंस्टीट्यूट बनाएंगे, क्योंकि ही वॉज नोन एज अ मेन स्ट्रीम सिनेमा डायरेक्टर। तो ये लगा था कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बनेंगे, जो भी आएंगे पढ़ने के लिए, उनका जो मेन फोकस होगा वो मेन स्ट्रीम सिनेमा ही होगा। उनको मेन स्ट्रीम सिनेमा का एक पर्टिकुलर, यो कहना चाहिए वो एक जॉनर है, वो कि अलग चीज़ नहीं है, सिनेमा का ही एक जॉनर है जो हमारे हिंदुस्तान के, भारत के कल्चर से उभरा हुआ है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र से, लोकतंत्र से नहीं, लोक कल्चर से उभरा हुआ है, हमारे फोकलोर से, यू नो, जो देश के अलग अलग फॉर्म्स हैं, थिएटर के, म्यूज़िक के, एंटरटेनमेंट के, उनसे उभरा हुआ एक फॉर्म है ये। तो हमें लगा था कि उस एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। मेरा वो ऐसा हुआ कि सुभाष जी को मैं तब से जानता हूँ जब वो इंस्टीट्यूट से, FTII से होके जब आए थे बॉम्बे में, और नटराज स्टूडियो में उनकी पहली फिल्म की तैयारी चल रही थी, सब उमंग, व्हाट वाज दैट, उमंग वाज इट, हाँ,
तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्या होगा इसमें, बट आई ऑल्सो यूज टू नो वॉट वॉज हैपनिंग, बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो लिटिल लेटर दैट ही हिमसेल्फ व्हेन ही बिकम्स अ फिल्म मेकर ही मे अडॉप्ट एनी स्टाइल एज अ फिल्म मेकर, देर इज नो एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन, कब ऐसा ही करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए, यू कैन बी फ्री, यू कैन टेक अप एनी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। एंड इंस्टीट्यूट में अगर आप इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी करो, स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि जो कुछ वो करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी जॉनर सोचो, कोई भी स्टाइल सोचो, कोई भी कहानी सोचो, कोई भी कहने का अंदाज सोचो, वो फ्री होना चाहिए। इंस्टीट्यूट कैन नॉट हैव पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टाइल। जैसे काम शुरू हुआ मैं इनके इंस्टीट्यूट में गया भी, एक बार नहीं दो तीन बार गया हुआ हूँ, तो आई फेल्ट कि मैंने जो पहले सोचा था कि इसका बहुत लिमिटेड दायरा रहेगा मेन स्ट्रीम का, वो नहीं रहा। उसमें लोग जो सवाल करते थे, जो कुछ बातचीत होती थी, दैट वाज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी। तो ये आज़ादी जो है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, पर्टिकुलरली सिनेमा में, ये बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक व्हिसलिंग वुड्स गिव्स टू द स्टूडेंट्स, द फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, and freedom of making any kind of film that you want to make. I think that is perhaps the best thing, best contribution of a filmmaker who has founded a film institute could provide to the students. Total freedom of creativity. धर्म जी, अगर आप 2019-2019 के अगर प्रोजेक्ट शेयर कर सकें जी, क्या आपकी फिल्मों का इंतजार हर किसी को हमेशा से रहता है? नहीं है, मगर लोगों को हमेशा इंतजार रहता है। मैं भी मुझे भी अंदर से बड़ी उत्सुकता है कि बनाएं कुछ ना कुछ, के बगैर एक्टिंग के बगैर तो कुछ नशा ही नहीं, जिंदगी का नशा ही है, तो बनाएंगे कुछ ना कुछ। अभी हम लोगों को आज के हिसाब से कि ट्रू टू लाइफ स्टोरी ढूंढो, कैरेक्टर जो ट्रू टू लाइफ हैं उनसे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी कि ये मैं हूँ यार, ये ऐसा मेरे जैसा। तो हम तो एक्टर हम विजुलाइज कर लेते हैं कि वैसे करूँगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, मगर आज के टेक्नीशियंस तो बहुत कमाल हो गए, सब कुछ अच्छे हैं। ये हमें हमेशा तकलीफ रहेगी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट की, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही रास्ता मिल गया आप ठाट से चलेंगे, अब आपको रास्ते ही ठीक नहीं मिला तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें वी आर सर्चिंग फॉर सम गुड स्टोरीज एंड लेट्स सी। भाई साहब, जाते आते बिस्ली मूड के कुछ फ्यूचर प्लान्स अगर आप हमें बता सकते हैं आने वाले दिनों में, क्या कुछ और डिफरेंट होगा? जैसे बिस्ली मूड्स के फ्यूचर प्लान्स जो हैं हमेशा एक इंडस्ट्री के फ्यूचर से जुड़े होते हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी या जिस तरह का जॉनर, जिस तरह के एक्सप्लोरेशन ऑफ कंटेंट है, जो फ्यूचर उसका होगा उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट जो है हम लोगों ने बच्चों को सिखाना शुरू किया है VR, जो वर्चुअल रियलिटी है, उसमें कैसे फिल्म बनाई जाए, उसमें कैसे कंटेंट जो है क्रिएट किया जाए या डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे बच्चे आज कुंभ गए हुए हैं कि अपने कैमरे लेके, और वहाँ वो शूट कर रहे हैं पूरा, ताकि कुंभ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो वो VR कैमरा टेक्नोलॉजी से शूट कर रहे हैं वहाँ पर, और वो 20-22 दिन वहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद आके वो आपको दिखाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी में पूरा कुंभ ऐसा लगेगा आपको कि आप कुंभ में खुद बैठे हैं, आपको एक स्टिल या एक वन एंगल फ्रेम नहीं लगेगा, उसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आगे जब जिम वैसी हम जब थे हमारे पास तो एक ही कैमरा मिचल होता था, फिर एरी होता था, कुछ नहीं होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ते गए तो हम भी बढ़ते गए साथ में। तो फ्यूचर जो है वो हमेशा ये रहेगा कि विस्लिंग वुड शुड थिंक अहेड ऑफ द टाइम, आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, ये तकरीबन मैं अच्छी बात मैं देखता हूँ अपनी फैकल्टी में, अपने टीचर्स में, अपनी मैनेजमेंट में, कि दे ऑलवेज थिंक ऑफ 5 years, 10 years ahead, वेदर इज़ ए पार्टनरशिप विद YouTube और
द सोनी और विद वीआर लैब, तो ये अच्छी बात है कि आज के बच्चों के हाथ में है, यंगस्टर्स मेघना है, राहुल है, ये लोग संभालते हैं, फ्यूचर देख के संभालते हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एनी गुड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सर, एज एन डायरेक्टर फिल्मों पर भी कुछ काम कर रहे हैं आप, हम आपको आपकी फिल्मों भी देखेंगे आने वाले दिनों में 2019 में। देखिए, मुझे तो जो मिलता है मैं कर देता हूँ। आपने कहा इंटरव्यू दो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसने कहा जी शॉर्ट फिल्म बना दो, मैं शॉर्ट फिल्म बना देता हूँ। बोले जी लेक्चर दे दो, लेक्चर। बोले यहाँ लिख दो, मैं पोएम लिख दो, मैं पोएम लिख देता हूँ। अभी हमारा ऐसा हो गया कि वी आर क्रिएटिव पीपल। अभी क्या सिनेमा में हमने जो करना था किया, फिल्म बनाऊँगा मैं, लेकिन उस वक्त बनाऊँगा जब मुझे लगेगा, जैसे इन्होंने कहा कि कहानी वो होनी चाहिए जो मैंने बनाई नहीं। अगर मैं वही कहानियाँ बनाने लग गया तो फिर वही होगा ना कि सुभाष जी पुराने हो गए। सुभाष जी नहीं तभी हो सकते हैं जब नई कहानी हो, नया ट्रीटमेंट हो, नई बात हो। एक प्रोड्यूसर कड़का था बेचारा, जो बीच पे घूम रहा था, तो उसकी ठोकर लगी बोतल में से, वो जिन निकलाया, आका क्या करूँ आपके लिए। बोले यार कोई जगह रहने के लिए मिल जाए, तो जगह मिल गई। फिर और कहते गाड़ी मिल जाए, और उसको पूरी ऐश्वर्य इतने सब कुछ मिल गया। फिर कहते और बोलो, कहता यार मुझे एक स्क्रीन प्ले स्टोरी चाहिए अच्छी। जिन वापस नहीं आया। तो ऐसी बात है, स्टोरी स्क्रीन पे मिल जाए तो अच्छी बात है। अब इन्होंने अर्ध सत्य बनाई, मेरा दिल करता था मैं उसमें घुस जाऊं कैसे भी। अब इनको मिलता भी था। हमने सत्यकाम बनाई, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर थी, ब्यूटीफुल पिक्चर रचिता की। ही ऑलवेज कहते थे कि मेरी बेस्ट पिक्चर है। अर्थ सत्य मैंने देखी तो कुछ नशा ही आ गया। बिकॉज सिनेमा इज अ डेमोक्रेटिक आर्ट, हर एक को हक है अपने विचार प्रकट करने का, स्टोरीज जिस तरह से बताना चाहें, इसलिए हम वो पूरी छूट देते हैं। धर्म जी ने कहा कि स्क्रिप्ट, ये चीज एक और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा मेरे पहले सवाल के जवाब में, आपके पहले सवाल के जवाब। विस्लिंग वुड वेरी राइटली हैज पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग। वो जो उनका डिपार्टमेंट है, बिकॉज आई नो द पीपल हु आर हैंडलिंग इट एंड टीचिंग इन दैट डिपार्टमेंट, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ this institute, emphasis on script writing. कहानी भी वहीं से निकलती है, स्क्रिप्ट भी वहीं से निकलता है, डायलॉग भी वहीं से निकलती है, सब कुछ वहाँ से निकलता है। अगर वो नहीं होगा तो कितनी भी टेक्नोलॉजी कर लो ना, तो क्या कर लो। ये भी कह रहे हैं कि इनको नई कहानी चाहिए जो उन्होंने पहले नहीं की। धर्म जी भी वही बोल रहे हैं, अच्छी कहानी हमको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो सीखना पड़ता है, जो एजुकेशन चाहिए, द एम्फेसिस ऑन राइटिंग ऑफ द स्क्रिप्ट एंड राइटिंग ऑफ द एजुकेशन ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, दैट इज वेरी वेरी की फैक्टर इन एनी फिल्म मेकिंग प्रोसेस, दैट यू कैन फाइंड इन दिस इंस्टीट्यूट विदाउट एनी डाउट। अपने अगर मेरे एड्रेस सुना होगा तो मैंने आज बच्चों को यही कहा कि फेलियर्स एंड क्राइसिस इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस। उसको हार मत समझिए, उसको समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, चैलेंज मिलेंगे, जितने चैलेंज मिलेंगे उसको इंजॉय कीजिए, उस क्राइसिस को हंस के उसको आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो ज़माना गया कि जब क्राइसिस में आदमी अकेला कमरे में बैठ जाता था, रोने लग जाता था, परिवार भी रोने लग जाता था, वो ख़त्म हो जाता था। अभी बल्कि जब जैसा चैलेंज आता है उसको उठना चाहिए, यू शुड फ्लाई विद द न्यू इनोवेशन, डिस्कवरी, रीडिस्कवर, डिस्कवर, लर्न, रीलर्न, बहुत सी चीज़ें। और आज इतना ऑप्शन है बच्चों को, एक ये नहीं तो एक ये है, एक ये नहीं तो एक वो है। तो हमारे समय में तो ऑप्शन ही नहीं था सिवाय सिनेमा के, टेलीविजन में नहीं था, कुछ नहीं था। आज एक मिनट की कहानी बता के आप स्टार बन सकते हैं, एक मिनट की कहानी वायरल हो जाती है आपके लिए। तो बच्चों को बहुत स्कोप है। और बाकी रहा कि जो डिप्रेशन की बात है, उसकी वजह यह है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से इतना हो गया है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि किसको सेलेक्ट करें किसको नहीं।
वो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो चीज़ आप में इंटरेस्ट करती है उसी सब्जेक्ट उसी विषय के इर्द गिर्द रहिए, बाकी कुछ चीज़ को आप डिस्ट्रैक्ट करने अलाउ मत कीजिए। उनको बहुत सारी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दबाए रखते हैं, यार वो बहन की शादी आ रही है, उसमें लग जाते हैं हम लोग एवरीवेयर, वी इंडियन लाइक दैट, तो हमारा फोकस निकल जाता है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ा डिप्रेशन लाता है ज़रूर। ये करना कंपटीशन का भी होता है धर्म जी, आजकल कंपटीशन इतना है कि बच्चों को, हर बच्चों को चाहता है कि मैं जल्दी टॉप पे पहुंच जाऊं, सीढ़ियों में नहीं चढ़ना चाहते, वो शॉर्टकट जो जाना चाहते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो वही मैंने अपने एड्रेस में कहा कि हमेशा आप सोचो लॉन्ग शॉट में मेरा करियर क्या है। कछुआ और खरगोश की जगह कछुआ बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।